अभी हम बनाने वाले हैं भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी बहुत से लोगों के बनाते वक्त वो चिपचिपी हो जाती है, लेकिन इस बर्तन में आप जब सब्जी बनाएंगे तो वो चिपचिपी नहीं होगी। अभी आपको मैं टोटल विदाउट ऑयल भिंडी की सब्जी बना के बताऊँ। अब इसके इंग्रेडिएंट देख लीजिए, भिंडी कटी हुई है, प्याज है, हरी मिर्ची है, कड़ी पत्ता है और ये अमचूर है। बाकी जीरा, मोरी, हल्दी, नमक और हींग। अब शुरू में अपन ने 2 मिनट के लिए बर्तन गर्म कर लिया है। अब इसमें पहले अपन डालेंगे जीरा। देखेंगे जीरा जैसे तेल में तड़तड़ता है वैसे ये तेल में विदाउट ऑयल, क्योंकि इसका जो नेचुरल ऑयल है वो उसमें ये जीरा फूलता है। वैसे ही देखेंगे आप ये मोहरी, जैसे आप तेल में करते हैं सेम वैसे ये मोहरी फूट रही। देखो जैसे तेल में फूटती है वैसे ये मोहरी डायरेक्ट इसमें, क्योंकि इसका जो नेचुरल ऑयल है उसमें ये पकता है। इसके बाद इसमें आप हरी मिर्ची डाल दीजिए, कड़ी पत्ता डाल दीजिए। अब इसको थोड़ी देर हिलाइए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालने का, 1-2 चम्मच। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। इसके बाद ये प्याज डाल, ये फ्लेम को बिल्कुल कम रखने का है और इसको प्याज को जैसा आप तेल में डालने के बाद हिलाते हैं वैसे हिलाते रहने का। अभी ये प्याज का टेक्सचर देखेंगे, जैसा तेल में पक जाता है प्याज वैसा ये प्याज पूरा पक गया है। अब इसमें आप भिंडी डाल दीजिए और ये अमचूर जो है ये इसमें डाल दीजिए और फिर इसमें नमक डाल दीजिए। इसको मिक्स कीजिए। इसको मिक्सिंग अच्छी तरह से करना है क्योंकि बाद में
इसको आप जब अभी पकाने को रखेंगे तो इसको हिलाने का नहीं रहता है, इसको एक बार ढक्कन लगा दिया तो ढक्कन वापस खोलने का नहीं है, तो मिक्सिंग एक बार ही करने का है। अब इसको पकने को रखने के पहले इसको फैला लेने का, बीच में इसको थोड़ी सी जगह बना के इसमें थोड़ा सा पानी डाल देने का। ढक्कन लगा के एकदम धीमी आंच पे इसको पकने को रखने का है। अब पकते हुए आपको ध्यान में आएगा कि इसके जो वेपर्स डेवलप हो रहे हैं वो कंडेंस होके वापस इसके अंदर जा रहे हैं, तो इसके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, मसाले का फ्लेवर है, वो सब इसमें वैसे के वैसा रहेगा। अब ये पूरा लो फ्लेम पे करने का बिल्कुल, और जब इसको एक होल रहता है इसमें, इसमें से थोड़ा सा जो वेपर बाहर आएगा, आपको भिंडी पकने की जो शुरुआत होती है उसका जो एक फ्लेवर आता है, वो फ्लेवर आते से ही यानी इसमें से थोड़ी सी भाप आने लग गई और वो फ्लेवर आते से आप गैस को ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद उसको 10 मिनट तक वैसे ही रखिए। भिंडी पूरी तरह से लो हीट पे है, इसका जो थर्मो इनकैप्सुलेटेड बेस है इसमें जो हीट स्टोर रहती है उस पर वो पक जाता है। हाँ, अब ये देखेंगे आप, आपको वेपर कंडेंस होके उसका पानी वापस इसमें गिरता हुआ दिख रहा है, यानी ये प्रोसेस चालू रहती है, इसका अंदर का पानी वेपर का जो वेपर्स तैयार होती है वो कंडेंस होके नीचे गिरती है, वापस फिर से वेपर तैयार होती है, वापस नीचे गिरती है, ये प्रोसेस चलती रहती है अंदर के अंदर। और जब वेपर इसमें से बाहर आने लगेगी तो वो पकना चालू हो गया इसका मतलब, और उस टाइम पे आपको गैस बंद कर देना है। तो अभी ये चिकन पक रहा है, अपन ने पहले जो भिंडी की सब्जी बनाई है वो ढक के रखी थी अपन ने 10-15 मिनट, वो देखिए अभी। अभी आप सब्जी देखेंगे, ये बिल्कुल चिपचिपी नहीं हुई, पूरी के पूरी देखिए, जैसे सूखी सब्जी तेल डाल के बनाते हैं वैसे बनी हुई है, इसमें तार नहीं छूटा या कुछ भी नहीं, बिल्कुल ड्राई सब्जी बनी हुई है। और भिंडी का टेक्सचर देखिए, जैसे तेल में पकने के बाद सब्जी बनती है वैसे सब्जी बनी है, नीचे आप देखेंगे कहीं पे भी ये जला हुआ नहीं है। एक्चुअली ये इतना शाइन कर रहा है कि इसमें ऐसा लगता है कि हमने तेल डाला है, पर इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है। उसका जो नेचुरल इंग्रेडिएंट प्रिजर्व होते हैं उसके कारण उसका जो वो टेक्सचर और शाइन, और उसकी अभी टेस्ट देखिए, जरूर आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये भिंडी में तेल नहीं है। हाँ, जरूर इसमें डालिए। ओके, आप टेस्ट देखिए उसकी, ठीक है, देखते हैं अब इसकी टेस्ट कैसी है। एक तो ये मैं जो भिंडी बनाती हूँ उससे ये काफी ग्रीन लग रही है, मेरी ज्यादा जल जाती है क्योंकि बहुत चिपचिपी होती है, लेकिन ये भिंडी अगर आप देखेंगे तो काफी ग्रीन है ये। अब इसका टेस्ट देखते हैं, बहुत अच्छे से पकी है, इसमें जो फ्लेवर है, एक्चुअली भिंडी कैसे टेस्ट करती है ये आपको इसमें समझ में आएगा, हमारी भिंडी ज्यादा जली हुई रहती है इसमें, लेकिन जो फ्लेवर है इसका ये काफी अच्छा आ रहा है, काफी स्ट्रांग फ्लेवर भिंडी का आ रहा है, तो आई थिंक ये काफी अच्छी बनी और फुल पक गई है, तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि इसमें हमने कोई भी ऑयल नहीं डाला है हमने इसके अंदर में, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसको आपको और इसकी टेस्ट इनहांस करना होगी तो इसको अभी बाद में थोड़ा कटा हुआ बारीक कटा हुआ धनिया डाल दीजिए, थोड़ा सा कसा हुआ खोबरा जो रहता है गीला खोबरा वो डाल दीजिए, उसमें टेस्ट आपको और अच्छी लगेगी इसकी।